तो वेलकम बैक टू हैप्पी हार्ट इलेवन इलेवन आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है आप लाख कोशिशों के बाद भी सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें और इस सिचुएशन के प्रति आपका माइंड कैसा होना चाहिए तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि इस तरीके का फेज़ या इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आती है कि आप तो एफर्ट कर रहे हैं आप अपना कर्मा कर रहे हैं हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके तो फिर क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है ये हमारे बड़ों ने भी बोला है कि कर्म करो तो अच्छा ही मिलता है अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगी तो फिर क्यों नहीं मिलती सबको हर कोई अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रपेयर करता है तो उसको उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है हर किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है किसी की लाइफ में कुछ रुकावटें क्यों आ जाती है या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा को जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कर्म किया यानी हमने मेहनत करी उस चीज़ के लिए तो हमें उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए राइट पर ऐसा हो नहीं रहा अब इसके देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वट इज द रीजन फॉर द सिचुएशन आपका ध्यान हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही चला गया है जिसके कारण आप स्पिरिचुअल लर्निंग या स्पिरिचुअल जर्नी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली आप इतना ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कई बार आपका जो माइंड uh, है उसको स्परिचुअली अलाइन करने के लिए या स्परिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए भगवान यूनिवर्स जो भी करे जो भी कहे वो आपको इस तरीके की परेशानियाँ देते हैं इस तरीके की स्टैग्नेशन देते हैं क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब सबकी लाइफ में या किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो उसके अंदर बड़ा एक ईगो फैक्टर आ जाता है कि सब कुछ मैंने ही तो किया है मैंने मेहनत करी तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिला मैं और उसके अंदर घमंड वाली चीज़ आ जाती है मैं वाला फैक्टर आ जाता है कि एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ और दे बिकम काइंड ऑफ अनग्रेटफुल और काइंडनेस भी चली जाती है हम्बलनेस जो होती है एक इंसान के अंदर वो चली जाती है तो तब आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाला जाता है ताकि आपको रिकनेक्ट किया जाए आपके ट्रू सेल्फ के साथ स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ और गॉड के साथ कनेक्ट किया जाए कि भैया तुम अकेले नहीं हो जो सब कुछ कर रहे हो तुम्हारे पीछे कुछ और शक्तियाँ भी हैं कुछ और तुम्हारे दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इस दुनिया में आने के लिए जिनको तुमको फुलफिल करना है बट तुम मटेरियल अचीवमेंट्स uh, के पीछे इतने पागल हो चुके हो अंधे हो चुके हो कि तुम अपने दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हो इसीलिए तुम्हें वो स्टैग्नेशन दिया गया है ताकि री कंसिडर योर एग्जिस्टेंस वाई यू आर हेयर ऑन दिस प्लानेट और तुमने क्या गलतियाँ कर रहे हो और तुम भगवान से कनेक्टेड हो या नहीं हो खुद के साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो तुम खुद को उस बॉडी से ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं बस ये बॉडी हूँ या इस बॉडी बॉडी से जुड़ी जो, जो मेरी आइडेंटिटी है और uh, मेरी जो जो डेजिग्नेशन है जो भी मेरी सोशल स्टेटस है सोशल रेपुटेशन है बस मैं वही हूँ जो कि गलत है और ये एक रीज़न है आपको इस तरीके के सिचुएशन में डालने के लिए दूसरा रीज़न ये होता है कि कई बार जैसे कहते हैं ना कि रिजेक्शन इज अ प्रोटेक्शन रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन या गॉड्स प्रोटेक्शन क्यों क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिस चीज़ को आप सक्सेस या अचीवमेंट से जोड़ रहे हो बट वो आपके अल्टीमेट डाउनफॉल या आपके फेलियर फेलियर तो वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि फेलियर तो हर किसी की लाइफ में आता जाता रहता है बट आपके लिए वो बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है जो आपकी जर्नी के साथ अलाइंट नहीं है आप उस डायरेक्शन में अगर जा रहे थे तो आपको रोक दिया जाता है ताकि आप अगर फर्दर उधर उस रस्ते पे चले तो आप अपना बहुत नुकसान कर देंगे तो ये भी एक रीज़न होता है कि कभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से आ, सारी तैयारी करके स्ट्रैटीज़ अडॉप्ट करके सारी चीज़ें कर रहे हैं बट फिर भी वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है वो डिज़ायर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा हैं उसका एक रीज़न ये है कि हो सकता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है या सक्सेस के इक्वेलेंट है वो एक्चुअली आपके डाउनफॉल का रीज़न बन सकती है और इस पूरे सिचुएशन से पहले तो आपने ये माइंडसेट समझा कि ये सिचुएशन क्यों आई है क्यों आ सकती है इसको किस तरीके से लेना है अब किस तरीके से डील करें इसको डील करने के लिए कुछ चीज़ें आपको लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए जैसे पहला तो सॉलिट्यूड को अडॉप्ट करो अकेले रहने की कोशिश करो अपने साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करो राधा दिन सारा दिन हर किसी के साथ अपनी सिचुएशन को डिस्कस करने की क्योंकि यहाँ इस रैल में ज़्यादातर तो सोल्स मिस गाइडेड है या डिस्ट्रैक्टेड है या अपने आप से डिस्कनेक्टेड है जो खुद से ही डिस्कनेक्टेड है और एम है सबके अंदर कुछ ना कुछ वॉइड है अब खाली ग्लास दूसरे खाली ग्लास को कैसे भरेगा अगर आपको कनेक्ट खुद से अगर आपकी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी अपने लाइफ में तो उसका सोल्यूशन भी आपके पास ही है द ओनली रीजन यू आर नॉट एबल टू सी दैट सोल्यूशन इज बिकॉज यू आर सो मच अप इन दैट प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू सी दैट लाइक दैट सल्यूशन क्लियरली और उसके लिए पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ ये मुझसे कुछ सिचुएशन गलत हुई है इट्स ओके आई फेल्ड ऑन सर्टन थिंग्स एंड इट्स नॉट अ बिग डील एवरी सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस प्लानट हैज़ फेल्ड इनफैक्ट फेल्ड मेनी टाइम्स फॉर वट एवर दे हैव ट्राइड फॉर एंड इधर दे हैव ट्राइड इट विद डिफरेंट्स अप्रोच या तो वो उसी चीज़ को दोबारा एक दूसरे अप्रोच के साथ uh, कर करते हैं दोबारा शुरू करते हैं उस काम को या फिर उस काम को छोड़ के कुछ नया शुरू करते हैं तो इट्स नेवर लाइक यू बिकम स्टेगनेंट एंड यू जस्ट गिव योर एंटायर लाइफ टू दैट वन गोल एंड यू एंड योर लाइफ ऐसा नहीं होता है लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस लाइफ इज अबाउट गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसिस एंड यू गेन एक्सपीरियंसिस थ्रू ट्रायल एंड एरर कोई यहाँ पे आ, बुक ऑफ लाइफ लेके नहीं बैठा है कि आ, आपकी लाइफ की सारी इवेंट्स को वो अच्छे से प्रडक्ट कर दें और ऐसा 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 होने वाला नथिंग इज सेट ऑन स्टोन नो बडी कैन टेल यू एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ नो बडी कैन इवन स्टॉप फ्रॉम थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ बट इफ़ यू परचेज लाइक स्टोरीज फ्रॉम अदर्स कि किसी ने कुछ आपको प्रिडिक्शन कर दी या किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया और आपने उसको सच मान लिया तो हाँ डेफिनेटली आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट अट्रैक्ट ज़रूर कर लेंगे Uh, वो एक अलग टॉपिक है खैर बट बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ हु यू आर व्हाट इज़ गुड फॉर यू अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया भी तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अच्छे और बुरे को नहीं जानते क्योंकि आप खुद से डिसकनेक्टेड हैं तो पहले आप खुद से कनेक्ट हो ताकि आपको रियली में पता चले कि जो मैं डिसीजन एक्चुअली ले मैं ले, मैंने लिया है वो एक्चुअली मैं चाहती थी या नहीं कई बार हम दूसरे से इन्फ्लुंस होकर भी चीज़ें करते हैं कि किसी ने कहा कि सक्सेस की डेफिनेशन इस चीज़ को अचीव करना है बट हो सकता है आपके लिए वो चीज़ सक्सेस uh, का मतलब हो ही ना आप वो चीज करना ही नहीं चाहते हो या उस चीज़ से आपको खुशी मिलती ही ना हो तो ये चीज़ तब आपको समझ आएगी जब आप खुद से कनेक्ट होंगे अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे दूसरों से डिसकनेक्ट होंगे क्योंकि जितना आप दूसरों के साथ मिंगल होते रहेंगे तो उतना आप, आपका माइंड जो है अनक्लियर रहेगा क्योंकि हर कोई अपने ही लिमिटेड एक्सपीरियंसिस के बेसिस में आपको सजेशंस या आपसे बातें करेगा उस सिचुएशन को लेकर दूसरा चीज़ है कि आ, गॉड के साथ थोड़ा कनेक्ट हो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ थोड़ा अपना फोकस बढ़ाइए क्योंकि एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप सुप्रीम से कनेक्ट होंगे और ये दुनिया आप चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो ये दुनिया कोई ना कोई शक्ति तो चला रही है वरना ये दुनिया कोई आप या मैं तो नहीं संतुलित करके कर रख कर रहे हैं आए दिन आप सोचेंगे मतलब सुनते आ रहे होंगे कि कोई मीटियोर कोई एस्ट्रॉयड अर्थ के इतने पास से होके गुजरेगा अगर ये खुद ब खुद मतलब अगर इसमें कोई किसी शक्ति का कंट्रोल ना हो तो किसी भी दिन कोई एस्ट्रॉयड या मीट्रॉइड आके अर्थ को हिट कर दे और वो ख़त्म हो जाए दुनिया ना बट हर चीज़ संतुलित है हर चीज़ को मैनेज uh, किया जा रहा है किसी एक शक्ति के द्वारा तो वैसे ही हमारी लाइफ भी को क्रिएटेड है ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारे फुल कंट्रोल में है वी आर ऑल्सो अ मीडियम फॉर सम बिगर पर्पज विच वी डोंट रियलाइज टूडे बट ईच सोल ऑन दिस प्लानेट हैज़ अ बिगर पर्पज टू फिलफिल सम पर्पज फॉर दैट सुप्रीम ये मत सोचो कि आप यहाँ खाना पीना कर, खान, खाने पीने और नौकरी करने और शादी करके बच्चे पैदा करने आए हो यू आर हेव फॉर सम टू मेक सम डिफरेंस इन अदर्स लाइफ ऑल्सो जैसे दूसरे आपके लिए निमित्त बनते हैं वैसे आपको भी दूसरों के लिए निमित्त बनना पड़ेगा और उसी तरफ आपका ध्यान ले जाने के लिए भगवान आपको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप उनके साथ कनेक्ट हो सके खुद के साथ कनेक्ट हो सके और जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी आप हेल्प कर सकें तीसरा है कि ओ, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जैसे मंत्रास का जाप करना मंत्रास को सुनना या फिर अगर आपकी कोई रिलीजियस एक्ट प्रैक्टिस है तो उसको फॉलो करना किसी स्परिचुअल लीडर की कोई अच्छा रिलायबल स्पिरिचुअल लीडर है तो उसकी बातें सुनना क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और उनकी रिलीजियस स्टोरीज़ के थ्रू आपको आपकी लाइफ का सलूशन दे देते हैं क्योंकि जो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और जो भी ये बुक्स हैं ये इसलिए नहीं लिखी गई है कि आप वहाँ पे भगवान की कहानियाँ सुनते रहें लोग अक्सर इनको इसलिए पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको लगता है कि ये भगवान की कहानी है और क्योंकि ये भगवान को मानते हैं तो हमें उनकी कहानियाँ सुननी है या पढ़नी है इट इज़ एक्चुअली टू इट्स अ रोड मैप फॉर योर लाइफ इट इज़ ट्राइंग टू गिव यू एन आंसर फॉर एवरी चैलेंज ऑफ योर लाइफ थ्रू थ्रू इट्स स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज तो उससे भी कई बार आपको इंस्परेशन मिलती है उससे भी कई बार आप सोल्यूशंस uh, आपको मिल जाते हैं uh, जैसे प्रेमानंद जी हैं और भी बहुत सारे गुरुज हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए या जब आपको सोल्यूशंस नहीं दिखते हैं तो उनकी उस कोट uh, या लाइन या उस एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी अच्छी मतलब हेल्प मिल जाती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और फिर नेक्स्ट आता है कि नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताए ये एक ऐसा टाइम है जहाँ ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ तो काम कर नहीं रहे मोस्टली इट्स सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन लोगों को तब लगता है जब उनकी करियर में ऐसा uh, क्या कहते हैं कि डाउनफॉल uh, आता है या स्टैगनेंट सिचुएशन आती है तो आप वैसे भी खाली हो तो हो सके तो एनिमल्स की हेल्प करें उनको फीड कर दे स्ट्रे एनिमल्स को खाना दे दे या बर्ड्स को खाना दे पानी दें या किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको हेल्प कर दे इट्स नॉट नेसेसरी कि विद मनी मे बी अ गुड टॉक विद देम स्माइलिंग विद देम or uh, smiling at them or uh, listening to them sometimes people want somebody to talk to and you can do that and it's mm -hmm. you do it known people in fact known in situations because they are there to just dig deeper into your problems but try to help people who are strangers who are not connected uh, with you on a daily basis and uh, this will help you to uh, gain more confidence in your power to create a difference, to make a difference in somebody's life. Because when we help somebody, the sense of achievement is of different level. Because we that when is it means I am out of control. I am not having any power. I don't have any power to make any changes. But when खुद की वजह से किसी की लाइफ में चेंज एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं तो हमें बहुत पावरफुल फील होता है ऑटोमेटिकली और ये आप खुद करेंगे तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी नेक्स्ट है ये आप नेचर में जहाँ पे ट्रीज प्लांट्स ज्यादा हैं वहाँ पे जाके अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करिए क्यों क्योंकि नेचर के अराउंड देखिए ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है आपकी ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और ऐसी सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी आप बहुत लो फील कर रहे हैं द क्वालिटी ऑफ योर थाट्स आर वेरी नेगेटिव एंड ऑफ वेरी लो क्वालिटी तो वहाँ चाहिए कि आपके ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी का मतलब है ऑक्सीजन आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही आपके ब्रेन की सेल्स को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है ताकि आपकी जो रैशनल uh, थिंकिंग है क्रिएटिव थिंकिंग है बोथ साइड ऑफ द ब्रेन वर्क्स प्रॉपर्ली एंड यू कैन कम आउट विद अ गुड सल्यूशन बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से आप डील कर सकते हैं या तो उसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढना जो कि बहुत ही स्पॉन्टेनियस और हो सकता है वो ज़्यादा हार्मफुल हो शॉर्ट टर्म के लिए हो और आपको आगे जाके और प्रॉब्लम दे या फिर एक माइंडफुल सोल्यूशन जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस प्रॉब्लम से या चाहे चैलेंज से ओवरकम कर करने में हेल्प करे तो ये चीज़ तब होगी जब आपकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी होगी तो उसके लिए आप नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो करें छत में जाके थोड़ा घूमें अकेले या वॉक पे जाए या फिर कहीं पे भी आपके अगर आसपास पार्क है या कोई ऑर्चर्ड है या कहीं पे भी नेचर से जुड़ी कोई कोई जगह है तो वहाँ जा सकते हैं नेक्स्ट है कि आप अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव एक्टिव रखिए जितना हो सके चाहे तो वो वॉकिंग के थ्रू हो चाहे जॉगिंग के थ्रू हो चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो योगा के थ्रू हो या डांस करने के थ्रू हो उससे क्या होता है कि आपकी माइंड जो स्टक होता है माइंड तो अच्छा फील नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में से गुजर रहे होते हो तो आपका माइंड पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाता तो उस समय आपकी बॉडी को आपको जितना हो सके मूवमेंट uh, में रखना है ताकि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में भी चेंज ऑफ प्लेस चेंज ऑफ एनर्जी का इम्पैक्ट पड़े और वो जो एक नेगेटिव लूप ऑफ थॉट्स में अटका हुआ है स्टक है उससे बाहर निकल सके क्योंकि अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आपके थॉट्स जिस डायरेक्शन चल रहे हैं उसी डायरेक्शन चलते रहेंगे विच इज़ नेगेटिव तो अगर आप मूवमेंट रखेंगे अपने बॉडी में एक्सरसाइज के थ्रू डांस के थ्रू वॉकिंग जॉगिंग एनी फॉर्म देन इट विल हेल्प योर माइंड ऑल्सो इन कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिव लूप ऑफ थाट्स और इसके अलावा आप जो है किसी कोच से हेल्प ले सकते हैं जो ऐसे सिचुएशन से निकला है और उससे आपको प्रॉपर uh, गाइडेंस मिल सके ताकि uh, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप खुद को सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना आपके आसपास के लोग अपने लिमिटेड थिंकिंग के कारण आपको हेल्प कर पा रहे हैं तो किसी एक ऐसे इंसान को सीख करना किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेना जो इस तरीके की सिचुएशन में रहा हो और उससे समझना और सीखना कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाता है अपना माइंडसेट कैसे ठीक रखे क्योंकि रोज खुद को शायद मोटिवेट ख़ुद से करना डिफ़िकल्ट हो बट कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी सिचुएशन से गो थ्रू होके बाहर निकल निकल चुका है उससे हेल्प लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इजी होगा ऐसे सिचुएशन से डील करने में और अच्छी बुक्स पढ़ना उससे आपकी जो है माइंडसेट में जो खुद से नेगेटिव थॉट्स चलती जा रही हैं उस पर शिफ्ट आएगा क्योंकि आप अगर कुछ पॉजिटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रखेंगे चाहे कोच के थ्रू चाहे अच्छे वीडियोज़ के थ्रू चाहे अच्छे बुक्स के थ्रू या अच्छे लोगों के थ्रू अगर आपके पास ऐसे कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं या लोग हैं हु कैन एड मीनिंगफुल थाट्स और गिव यू इंस्परेशन टू थिंक पॉजिटिवली देन यू शुड डेफिनेटली टेक हेल्प और लास्ट चीज़ मैं इसमें यह बोलना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी और चांस की तरह ले लीजिए जिसमें आप कुछ अच्छे कर्मा करें बिकॉज ऐसे सिचुएशन में जब हम स्टैगनेंट हो जाते हैं वी आर मोर इन टू आर ओन सेल्व वी आर स्टक विद आर सेल्व तो अपने आप से बाहर निकलने के लिए क्योंकि आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरी हुई है तो उससे बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट वे है कि आप जो है फोकस uh, करें कि हाउ कैन यू एड वैल्यू इन अदर्स लाइफ हाउ कैन यू लाइक प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमिंग इन टू after being in such situation you know how does it feel when uh, nothing is going your way and nobody is helping you nobody is understanding you so now you very uh, like empathetically know that yes this is a situation which nobody wants to be in and agar us dauran जहाँ आपके बाकी काम तो बन नहीं रहे वैसे भी और आप खाली बैठो तो क्यों ना किसी की help कर दिया जाए जितना हो सके किसी की life में वैल्यू add की जाए और uh, इससे होता यह है कि एक तो आपका गुड कर्मा बनता है आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग में हेल्प होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इंक्रीमेंट uh, होती है और आपके स्पिरिचुअल अर्निंग भी होती है क्योंकि इस दुनिया में मटेरियल चीज़ें जितनी भी आप कमा रहे हो वो तो आप ऊपर नहीं लेके जाओगे बट वट एवर स्परिचुअली यू आर अर्निंग इन टर्म्स ऑफ गुड डीड्स गुड एक्शंस दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक विद इन द नेक्स्ट बर्थ और इफ़ यू अटेन मोक्स देन ऑल्सो इट विल हेल्प इन दैट विच इज़ अल्टीमेट गोल फॉर एवरी सोल चाहे आप इस चीज़ के लिए अभी अवेकेंट हो या नहीं हो बट अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी सोल इज टू गो बैक टू द ओरिजिनल होम एंड कम आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल तो उसमें हेल्प होती है अगर आप ऐसे सिचुएशन में uh, इस तरफ अपना ध्यान लेके जाते हैं जहाँ सेवा भाव आता है जहाँ आप सोसाइटी को सर्व करते हैं इन एनी वे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुछ बड़ा करें uh, डोनेशन करें ऐसा कुछ बट लिटल एक्ट ऑफ कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ एज वेल एज इन योर लाइफ क्योंकि जैसे आप इन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लगते हैं तो फिर आप अपने दुख से दूर होते चले जाते हैं आपका फोकस इस बात से दूर होने लग जाता है कि द प्रॉब विच यूअर शर्निंग इन योर माइंड ऑल द टाइम उससे आप हटते रहते हो क्योंकि अब आपका फोकस ये हो जाता है कि मैं कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करूँ तो ये कुछ बातें थी जो आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और इन इस माइंड को अपने लाइफ में आप अप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ नथिंग इज़ वर्किंग आउट एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट यू हैव गिवन ऑल गिवन योर ऑल एंड कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लो कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यू माइट नॉट एक्सेप्टड बट दिस सिचुएशन Is going to lead you to a greater and a better success than you could have ever imagined, but only if you accept the learnings from the situation, the uh, accept the things or accept the uh, accept, accept the responsibilities which you are supposed to take as a soul on this planet because your material life may uh, जीने नहीं आयो यू हैव समथिंग एल्स सम हायर पर्पज ऑल्सो एंड टू डायरेक्ट योअर पाथ टू दैट हायर पर्पज ओनली सच सिचुएशन आर गिवन टू यू इन योर लाइफ सो यू आर लक् एक्चुअली यू शुड भी थिंकिंग ओ ये कैसी सिचुएशन है भगवान तो है ही नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं या मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी को वैसा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही नहीं दैट इज़ अ रोंग परस्पेक्टिव टू डील विद दिस सिचुएशन बिकॉज दैन यू वुड जस्ट रीन द इंटायर

अपने काम पे जाते हैं फिर शाम को खाते हैं और सो जाते हैं बट यू आर समथिंग डिफरेंट यू हैव सम डिफरेंट पर्पस यू हैव सम ग्रेटर पर्पस एंड यू आर अ ग्रेट लाइक अ पावरफुल पर्सन दैट इज व्हाई यू हैव गिवन यू हैव बीन गिवन विद दिस प्रेजेंटेड विद दिस चैलेंज एंड दिस अपॉर्चुनिटी बट ओनली इफ यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी तो आई होप यू हैव गॉट द यू हैव गॉट द पॉइंट यू वेड अपलाइड इन योर लाइफ इफ़ यू आर डीलिंग विद अ टाइम एक ऐसे समय से डील करो जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो समझो इस ना अच्छे समय इस बुरे समय में भी कुछ तो अच्छा है जो आज आपको नहीं दिख रहा है बट बहुत जल्द आपको दिखने लगेगा सो थैंक यू आल मीडियो इन माई नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी